Welcome back to my YouTube channel guys. Today in this video we will do complex sentence which we can use in writing. As you are able to see, first one is neither nor. Neither nor the matlab hunda na a na o, jadon apan dono cheezan nu na keh dinne aa. For example, jidda ki neither government can only do that nor the individuals, collective efforts आर नीडेड टू टैकल दिस प्रॉब्लम. जिदा कि ना ही गवर्नमेंट ना ही इंडिविजुअल्स वो कर सकते, कोलैक्टिव एफर्ट्स दोनों कट्ठे एफर्ट्स करने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वास्ते. इधर जो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रेम की है, हम आप सैकेंड एग्जाम्पल वनी मूव ऑन करते हैं. नाइदर द गवर्नमेंट कैन ओनली बी रिसपोंसिबल फॉर दिस नॉर द सोसाइटी बोथ शुड बी कंसिडर इन कंट्रोलिंग द इशू. ना ही गवर्नमेंट कल रिसपोंसिबल है इस चीज़ लिए, ना ही ना ही सोसाइटी, दोनों कंसीडर किया जाना चाहिए है इस प्रॉब्लम कंट्रोल करने वास्ते. नैक्सट है इन ऑर्डर टू सेंटेंस कॉमा फिर सेंटेंस. नैक्सट है रजे जिदा कि इन्होंने दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हो. इन ऑर्डर टू सेंटेंस तो इन बिटवीन भी यूज़ हो सकता है. थोड़ा मैं एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, दोनों टाइप्स के एग्जाम्पल देनी है. जिदा कि रजे तुम हम देख सकते हो, इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई देयर मटीरियल डिजायर्स पीपल आर फॉरगेटिंग टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन वर्क एंड फैमिली. ये तो इन ऑर्डर टू रजे मैं स्टार्टिंग यूज़ किया, हूँ आप इन ऑर्डर टू सेंटेंस के इन बिटवीन यूज़ करा. द गवर्नमेंट शुड इंपोज हैवी टैक्स ऑन प्राइवेट व्हीकल्स इन ऑर्डर टू एलिवेट रोड एक्सीडेंट बाय स्पेंडिंग दैट मनी ऑन रोड सेफ्टी. रजे आ वाले विच मैं इन ऑर्डर टू इन बिटवीन दे सेंटेंस के विचाले यूज़ किया है. एलिवेट नू कह सकते हैं रिड्यूस करना. जिदा कि रजे मैं काफ़ी सिंपल्स एग्जाम्पल्स है जी मैं फ्रेम की है, जिदा कि गवर्नमेंट को हैवी टैक्स इंपोज करना चाहिए जिन्हों को प्राइवेट व्हीकल्स है ताकि रोड एक्सीडेंट कर घट हो जाए तो जी मनी जनरेट होगी वो रोड सेफ्टी से ला सकन. इदा रजे मैं ये एग्जाम्पल फ्रेम की हूँ. थर्ड हैगा जीनेट. जीनेट होंगे रजे वर्ब प्लस आई एन जी. आई एन जी आप यूज़ करते हैं जिदा कि रजे हूँ मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझानी हाँ. इंप्लीमेंटिंग स्टिंजेंट रूल स्टिंजेंट लॉज कैन हैल्प इन रिड्यूसिंग द रोड एक्सीडेंट. स्टिंजेंट लॉज होंगे रजे जे मतलब कि स्ट्रिक्ट लॉज होंगे उन्होंने कह दें. हैविंग अ लिमिट ऑन वर्किंग आवर्स आलसो हैल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनइंप्लॉयमेंट. जिदा कि रजे ये सिंपल एग्जाम्पल हैगी, मैं हैविंग तो शुरू किया आई एन जी तो इदा मैं एग्जाम्पल फ्रेम की. अगर थोड़ी वीडियो हैल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलो. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो तुम मैं ऑनलाइन क्लासेस लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.